पर्शिया का युद्ध फ्रांस से हुआ, ठीक है, और पर्शिया इस युद्ध में जीत गया और पर्शिया का कब्जा फ्रांस के दो जिले एल्सेस और लोरेन पे हो गया, ठीक है। तो उससे पर्शिया क्या था, पर्शिया आज के जर्मन, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों से बना था, ठीक है, और युद्ध में वो जीत गया और दो जिले फ्रांस के एल्सेस और लोरेन उसके कब्जे में चले गए, उस किंगडम में चले गए, ठीक है। इस कहानी के दोस्तों दो मेन कैरेक्टर हैं, एम हैमिक, वो एक टीचर है जो 40 साल से वहां स्कूल में पढ़ा रहे हैं, यानी इन जिलों में से एक जिले के किसी गांव के स्कूल में, और दूसरा कैरेक्टर है लिटिल फ्रेंड जो इनका स्टूडेंट है, वो लेडी है और मिस्टर हैमिल स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो आइए करते हैं इस कहानी की शुरुआत। दोस्तों कहानी शुरू होती है तो उस दिन लिटिल फ्रेंड स्कूल के देरी से चला था, वो ये दिन क्या था, उस दिन वो कौन सा दिन था, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उस दिन लिटिल फ्रेंड स्कूल के लिए देरी से चला, ठीक है, और वो डर भी रहा था। डर क्यों रहा था, क्योंकि एम हैमिल ने उसको पार्टिसिपल चैप्टर पर क्वेश्चंस दिए थे याद करने के लिए और उसने एक शब्द भी याद नहीं किया था, जिसकी वजह से वो डर रहा था। रास्ते में जब वो स्कूल जा रहा था तो उसको जो मौसम था, यानी कि जो वेदर था, वो अट्रैक्ट कर रहा था। वेदर क्या था कि मौसम इतना सुहावना था और जंगलों के किनारों पर पक्षी चिर-बिर कर रहे थे, यानी चहचहा रहे थे, और पर्शियन सोल्जर अपने ड्रिल कर रहे थे, ड्रिल बोलते हैं एक्सरसाइज, तो वो कर रहे थे। ये सब चीजें लिटिल फ्रेंड्स को पार्टिसिपल्स चैप्टर के रूल से ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। उसका दिल भी किया कि आज स्कूल ना जाकर, ठीक है, अपना दिन बाहर बिताऊं, ठीक है। कुल मिलाकर उसको स्कूल बंक करने का मन कर रहा था, लेकिन उसने अपने फीलिंग्स को कंट्रोल किया, अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया और वो स्कूल की तरफ बढ़ गया, स्कूल की तरफ चला गया, यानी स्कूल उसने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके वो स्कूल के लिए चला। रास्ते में टाउन हॉल पड़ता है, जब वो स्कूल जाता था तो रास्ते में टाउन हॉल पड़ता था, उसे टाउन हॉल का वहां पर एक मीटिंग बोर्ड लगा था जहां से उन्हें पिछले दो सालों से जितनी भी बुरी खबरें थी उस बुलेटिन बोर्ड से ही पता लग रही थी, यानी उन लोगों को जो फ्रांसीसी लोग थे जो उन जिलों के रहने वाले थे, ठीक है, उस बोर्ड से उनको अपनी जो खबरें थी, या तो वो युद्ध से खबर हो, युद्ध हार जाने की खबर हो, या वो अकाल पड़ने की यानी सूखा पड़ने की खबर हो, उन्हें वहीं से मिलती थी। और जब उनको लिटिल फ्रेंड वहां से गुजरा तो उसने देखा उसके आगे, यानी उस बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ थी, वो देख तो नहीं पाया, लेकिन वो ये उसने ये सोचा कि अब क्या हो सकता है भला, यानी अब क्या बुरी खबर आई होगी, और वो वहां से स्कूल के लिए तेजी से चल रही, स्कूल के लिए तेजी से चला तो गांव का जो लोहार था, ठीक है, वो उससे बोला कि बच्चे इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं, तुम टाइम पर पहुंच जाओगे। उसे लगा ये मजाक कर रहा है, ये मुझे ताना मार रहा है, मैं तो ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, ठीक है। और फिर वो स्कूल की तरफ बढ़ा, स्कूल पहुंचा, जब स्कूल पहुंचा तो वो सब कुछ सरप्राइज, स्कूल पहुंचा तो स्कूल में उसने देखा स्कूल के जो चारों तरफ का जो एनवायरमेंट था वो बिल्कुल डिफरेंट था, बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि जब वो पहले स्कूल जाता था तो क्या होता था कि स्कूल के चारों तरफ वो शोरगुल आता था स्कूल से, यानी कि डेस्क का खुलना बंद होने का शोर, और बच्चों के चैप्टर रिवीजन यानी कि एक सुर में दोहराने का शोर, और टीचर के रूलर का शोर, तो ये सब शोर जो था वो तो मिसिंग था, ऐसा था जैसे कि संडे की सुबह होती है, तो इस तरह से शांति थी वहाँ पर, ये बहुत सरप्राइजिंग था उसके लिए। उसने अपनी स्कूल की विंडो से देखा कि सभी उसके क्लासमेट जो है उस अपने डेस्क पर बैठे हुए थे। फिर वो जब क्लास के अंदर गया तो मिस्टर हैमिल ने उससे कहा, लिटिल फ्रेंड बेटा बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही चैप्टर शुरू करने वाले थे। उसको यहाँ पर भी बहुत सरप्राइजिंग था ये उसके लिए, बहुत सरप्राइज हुआ यहाँ पर कि इन्होंने मुझे डांटा नहीं, और इतने प्यार से जो है मैं लेट हूँ और इतने प्यार से मुझसे बोला कि बैठ जाओ। फिर उसके बाद वो डेस्क पर बैठा और उसको बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग करने वाली एक चीज़ और दिखाई थी, वो थी कि पीछे डेस्क जो खाली रहती थी उन पर स्कूल के उस पर गाँव वाले बैठे थे, यानी गाँव के लोग जैसे कि फॉर्मर मेयर, पोस्ट मास्टर, ये लोग बैठे थे, बूढ़ा ऑफिसर। ये बहुत सरप्राइजिंग था कि ये टैक्सेस हमेशा खाली रहते थे लेकिन आज इन पर जो है गांव के लोग क्यों बैठे हुए हैं। उसने फिर देखा कि उसके टीचर एम हैमिल अपनी फाइनेस्ट ड्रेस पहने हुए थे, वो ड्रेस जो अक्सर वो एनुअल डे पर
पर या प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के डे पर पहना करते थे वो ड्रेस उन्होंने पहनी हुई थी, इंस्पेक्शन पर पहनते थे वो ड्रेस पहनी हुई थी, ठीक है, और ये बहुत सरप्राइजिंग था उसके लिए। उसके बाद मिस्टर हेमल अपनी चेयर पर खड़े हुए, माउंटेड ऑन हिज चेयर, और उन्होंने ये घोषणा की, अनाउंसमेंट किया कि प्यारे बच्चों ये आपका फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, कल से नया जर्मन टीचर आया और आपको जर्मन पढ़ाया जाएगा अच्छा आपको। तो ये जो वर्ड्स थे दिस वर लाइक थंडर क्लैप, ये फ्रेंच फॉरवर्ड पर बैठे सभी पर बिजली की तरह पड़ गई, यानी कि वो सरप्राइजिंग वर्ड्स थे खासकर लिटिल फ्रेंच के लिए। अब उसको समझ में आने लगा कि वहाँ रिटिंग बोर्ड के बाहर क्यों इतनी भीड़ थी, क्या खबर थी, उसको पता चला। अब उसे समझ में आया कि ये लोग क्यों बैठे हैं, यानी गांव के लोग क्यों बैठे पीछे डेस्क पर, और मिस्टर हेमल ने क्यों अपने जो है शानदार कपड़े पहने हुए हैं, ये बात उसको अब समझ में आई। और अचानक उसकी फीलिंग्स चेंज हो गई, जो स्कूल से उसको नफरत थी वो अच्छा लगने लगा, जो किताब उसको बोझ लगती थी वो अचानक उसकी दोस्त बन गई, वो मिस्टर हेमल का जो क्रैंकी बिहेवियर था वो सब भूल के मिस्टर हेमल उसे अच्छे लगने लगे, ये इसकी फीलिंग्स उसकी चेंज हो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो दिन कौन सा था, यानी जिस कि उस दिन लिटिल फ्रेंच देरी से चला, उस दिन मतलब वो दिन जिस दिन जर्मन से ऑर्डर आया कि अब से एल्सेस और लोनी के स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ये वो दिन था दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है अब रीडिंग सेशन शुरू होता है क्लास के अंदर, बारी बारी से सभी जो है चैप्टर को पढ़ते हैं, और जब लिटिल फ्रेंच का नाम बोला जाता है, जब उसको उसका नाम सुनाई दिया जाता है, यानी कि उसका नंबर आता है रीडिंग करने का, तो वो खड़ा होता है और पहले शब्द पर ही वो मिक्सअप हो जाता है, अटक जाता है, और वो शर्म से उसका चेहरा लाल हो जाता है, उसकी नज़र ऊपर देखने की नहीं होती अपने टीचर की तरफ। फिर मिस्टर हेमल उससे बोलते हैं, बेटा लिटिल फ्रेंच आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, क्योंकि इसमें केवल तुम्हारा ही दोष नहीं है, इसमें दोष तुम्हारे माँ बाप का भी है, मेरा भी है, कि आज तुम जो पढ़ नहीं पा रहे हो उसमें दोष केवल तुम्हारा ही है, तुम्हारे माँ बाप का ये दोष है कि ज़्यादा इनकम करने के लिए वो तुम्हें अपने साथ काम पर लगा लेते थे, और जब मुझे छुट्टी करनी होती थी, ठीक है, तो मैं जब मुझे मछली पकड़ने जाना होता था तो मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था, और कभी कभी क्लास की जगह अपने गार्डन में पानी देने के लिए तुम्हें भेज देता था, इसमें मेरी भी गलती है, तुम्हारे माँ बाप की भी गलती है, और देखो वो कहता है, और देखो क्या दिन आ गया है हमारे साथ, यानी एलसेस के साथ यही दुविधा रही है कि हम कल पर टालते रहे, आज कल टालते टालते ये दिन आ गया कि आज हमारी लैंग्वेज हमारी नहीं रही, और कल को वो लोग आएंगे, वो लोग मतलब जर्मनी वाले यानी जर्मन टीचर, वो आएंगे कहेंगे तुम लोग ढोंगी हो, तुम ढोंग करते हो कि तुम फ्रांसीसी हो, तुम्हें तो अपनी लैंग्वेज ही नहीं आती पढ़ना लिखना, तो तुम तो फ्रांसीसी हो ही नहीं, तुम ढोंग करते हो फ्रांसीसी होने का। फिर वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते हैं कि ये संसार की सबसे खूबसूरत भाषाओं में से एक भाषा है, ठीक है, और उनको बताते कि लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या है एक इंसान के, एक सिटीजन के जीवन में लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस बताते हैं कि जब तक आपने अपनी लैंग्वेज को अच्छे से पकड़ा हुआ है, जब तक आपको अपनी लैंग्वेज अच्छे से आती है, ये ऐसा है जैसे कि आपके पास आपके लॉकर की चाबी है, आपके उस ताले की चाबी है, ठीक है, उस रूम के ताले की चाबी इसमें आप कैद हो, कि उस तरह से है, ठीक है, यानी आपको आपकी लैंग्वेज आजाद करा सकते, आजादी दिला सकती है, ठीक है। और उसके बाद जो है एक राइटिंग सेशन होता है, एक खूबसूरत जो है कॉपियां मिस्टर हेमल सभी बच्चों में बांटते हैं, वो लिटिल फ्रेंच बताता है उस दिन केवल पेन के स्केचेस के अलावा और कोई स्कूल के अंदर आवाज ही नहीं थी, कबूतरों के गुटर को करने की आवाज आ रही थी, तो मैंने कहा, लिटिल फ्रेंच कहता है कि क्या अगर आप कबूतरों से भी जर्मन बुलवाएंगे, यानी वो बताना चाह रहा है कि लैंग्वेज उन पर थोपी जा रही है, ठीक है। उसके बाद चर्च की घंटे में 12 बजते हैं और एम हेमल जो है खड़े होते हुए कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन उनका गला भर आता है, इसलिए वो बोल नहीं पाते, और बोर्ड पर लिखते हैं वीवा ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, और इशारे से बच्चों को कहते हैं कि स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, आप जा सकते हो, और नीचे से पर से सोल्जर के नगाड़ों की आवाज आ रही है। लिटिल फ्रेंच ने यह भी बताया था कि जब वो राइटिंग सेशन चल रहा था तो मिस्टर हेमल को देख रहा है कि मिस्टर हेमल हर चीज को बड़े ध्यान से देख रहे हैं, जैसे कि सब चीजों को अपने अंदर समा लेना चाहते हो, और ऊपर से उनकी बहन ऊपर सामान पैक कर रही है, उसकी आवाजें आ रही हैं, तो कितना दिल दुख रहा होगा मिस्टर हेमल का, जिस जगह वो 40 साल रहे हैं और वहां उसे छोड़ना कितना भारी इनके ऊपर होगा, ये जो है ये सब वो
यही बताते हैं कि उस दिन बहुत कुछ समझ में आ, सब कुछ समझ में आ रहा था, जो टीचर पढ़ा रहे थे वो सब समझ में आ रहा था, शायद इस वजह से कि मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था आपको, या मिस्टर हेमंत बहुत ध्यान से पढ़ा रहे थे, इतना अच्छा पढ़ा रहे थे, इतने दिल से पढ़ा रहे थे कि वो शायद वो सब कुछ उस दिन जो उनके पास था वो मैं दे देना चाहते थे। और जब मिस्टर हेमंत लास्ट में था कि वो कुछ बोलना चाहते थे तो उनका गला भर आया। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये चैप्टर हमें देशभक्ति पैट्रियोटिज्म बताता है, कैसे एक ऑर्डर ने वहां के लोगों के अंदर की देशभक्ति जगा दी, देश के प्रति प्यार, लैंग्वेज के प्रति प्यार दिखा दिया। मिस्टर हेमंत का देश के प्रति, लैंग्वेज के प्रति जो प्यार था वो ये चैप्टर हमें दिखाता है। ठीक है, सो ये था चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको बताए जाएंगे। ठीक है।